ग्लोबल संकेत ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी को ज्यादा परेशान कर नहीं रहा आपको, अभी भी 5 पॉइंट ऊपर ही है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, ग्लोबल सेटअप के हिसाब से सिमी ने हमको ये बता दिया कि निफ्टी आज रेंज में रहने वाली है। पावर ग्रिड हमको शेयर मिल चुका है, इन्फीबीम शेयर मिल चुका है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हमने नोट कर ली है। अब हम नंबर्स पे आ रहे हैं, ये नंबर इस समय कह सकते हैं कि बाजार की इस समय जान है, ये इस तरह से क्योंकि इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे बाजार टिका और अपने आप को नए गेंस की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उम्मीद से अभी तक कहीं ना कहीं बेहतर नंबर्स आए हैं। कुछ कंपनी में निराशा है, कुछ में बेहतर भी है, तो इसका पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित जुड़ चुके हैं और वो नंबर को काफी सटीक एनालिसिस भी करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसे ट्रेड करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है वह FIs। देखिए, रिकैपिटलाइजेशन जिस दिन हुआ उस दिन 350 करोड़, और पिछले 2 दिन में FIs की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई है, 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी फिर से कल हुई है। तो ये एक टर्न अराउंड पॉइंट या फिर एक खुशी का पॉइंट हो सकता है कि FIs कम से कम बिकवाली नहीं कर रहे हैं, खरीदारी आई है और अब उनकी बिकवाली का काउंटर हमने पिछले 10 दिन में जब नोटिस किया तो 100-125 करोड़ था, वो एक ही दिन में 1000 करोड़ के बाइंग भी कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए सिमी और कई टेक्निकल एनालिस्ट का भरोसा बाजार पे अभी भी कायम है। एक बात, 10,200 की पुट और 10,400 की कॉल भी दिखा सकते हैं, इन कॉल पुट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमने आपको ट्रिगर्स में बताया भी था कि हम आपको ऑप्शंस के जरिए तरीका बता सकते हैं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। इस 10,200 की पुट को ध्यान रखिए, बाजार जैसे अपने क्रिटिकल पॉइंट 380-400 की रेंज को तोड़े, ये पुट आपको पैसा देगी, नहीं तो इंडिकेटर बना के रखेगा, इस पुट के अंदर धीरे धीरे बिकवाली होती रहे। एक है 10,400 की कॉल, कल वो टूट रही थी, कल वो कमजोर थी, कल ओपन इंटरेस्ट भी घटा और प्रीमियम भी घटा। अब मार्केट अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, ये पुट ज्यादा, ये कॉल ज्यादा नहीं टूटनी चाहिए, अगर ज्यादा नहीं टूटती है तो समझिएगा आप सही ट्रैक पे हैं, अगर आपने लॉन्ग रखा है तो आप सही ट्रैक पे हैं। तो इन दोनों पे आपको ध्यान रखना है। अब सुमित से आज के नंबर्स पूछते हैं। सुमित, वेदांता से शुरू करते हैं, आज का मिस कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं डिम्पी, क्योंकि आय फ्रंट पे तो नंबर्स अच्छे आए हैं वेदांता के, लेकिन बाकी सब कुछ खराब होता चला गया। आप आय के साथ ही अगर शुरुआत करेंगे तो आय हमें तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वेदांता की, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीब करीब 28% की बढ़त यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मुनाफे फ्रंट पर और मार्जिन में जिस तरह की अनुमान था कि रियलाइजेशन इम्प्रूव होंगे और अच्छे नंबर आएंगे, उस तरह आंकड़ा रहा नहीं। एबिटा 24% बढ़ा भले ही है, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था, 5,776 करोड़ रुपए ये आंकड़ा एक्चुअल में आया है। इसके अलावा मार्जिन यहाँ पर बढ़त का अनुमान था, श्रिंक हो गया 4%, तो ये अपने आप में एक बड़ा डेंटिंग फैक्टर कंपनी के लिए हो सकता है। और यही सेम चीज पैन आउट हो गई मुनाफे के अंदर भी, और उसका भी इंपैक्ट आता दिखाई पड़ा, मुनाफा महज 19-19.5% बढ़ा, जो कि बड़े रियलाइजेशन के चलते एक अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही थी। तो हो सकता है वेदांता में आज कुछ दबाव आता हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, दबाव आ सकता है। साक्षी, 2 रिपोर्ट आपके पास है, एक मॉर्गन स्टैनली के CLSE के, नंबर्स खराब लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, वो इतने बुलिश क्यों ऐसे वेदांता को लेकर? बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से वो बुलिश है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं, जहां पर उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है और 391 के टारगेट्स दिए हैं। उनके हिसाब से रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब नहीं है, अनुमान के मुताबिक है। साथ ही उन्होंने कहा है जो जिंक सेगमेंट है उसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, जिसकी वजह से अब वो आगे जाते हुए उम्मीद करते हैं कि और यहां से इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, जहां पर कंसर्न है वो कॉस्ट के एलिवेशन पर है, जो कि एल्यूमिनियम प्राइसेस और कोल प्राइसेस पर है। यहां पर बढ़त आगे भी जारी रहेगी, जिसकी वजह से मार्जिन पर आगे भी जाते हुए प्रेशर आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। अगर CLSE की रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने बाय रेटिंग रखी है, लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। अब जो न्यू टारगेट्स दिए वो 400 के ऊपर के हैं, 405 के अब नए टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी कीमतों में अभी भी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन एबिटडा में जो मजबूती है वो जारी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, रिपोर्ट से कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, सुमित कह रहे हैं कि नंबर्स ठीक नहीं है, आप थोड़ी कंफ्यूजन है, तो क्या एक काम करते हैं मयूरेश से पूछते हैं कि वो कैसे उनकी राय क्या है। मयूरेश, आपका व्यू क्या है? रिपोर्ट्स तो बुलिश है, नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, क्या करें सर? नहीं, नंबर्स ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है डिम्पी, और कहीं ना कहीं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थे मार्जिन को लेके और रिबिट को लेके, वहां पे थोड़ी आई थिंक निराशा आई है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो अगले 3 से 4 महीने हैं, आई थिंक कमोडिटी ड्रिवन जो प्राइसेस है वो अभी भी हायर साइड पे रहेंगे। कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट की वजह से एल्यूमिनियम बिजनेस में आई थिंक एक मार पड़ी है, बट कॉपर बिजनेस हैज हेल्ड अप वेरी वेल वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन फ्रंट दोनों पे। जिंक कारोबार भी आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक ग्रो हो चुका है वॉल्यूम वाइज, तो मेरे हिसाब से आई थिंक लेवरेज शुड प्ले आउट। तो आई थिंक एनी डिक्लाइन ऑन टू द स्टॉक मेरे हिसाब से अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू हो 3 से 4 महीने का, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकती है। तो मयूरेश का राय बिल्कुल साफ है, ट्रेडर्स को आज शॉर्ट हो सकता है कर ले, अगर ज्यादा बड़े गैप के साथ नहीं खुलता, एक बार बेस बनता हो दिखता है, हालांकि हम कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे, बेस बनेगा तो उसके बाद एक पुल बैक भी मिल सकता है। हालांकि 3-4 महीने लंबी अवधि खरीदना हो, इस शेयर को खरीदा जा सकता है, रिपोर्ट्स के साथ जाया जा सकता है। पावर
ग्रिड के भी नंबर्स आए हैं, पावर ग्रिड के नंबर कैसे हैं? डिम्पी, पावर ग्रिड ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छे नंबर कंपनी ने सिमाही के अंदर पोस्ट किए हैं, जो अनुमान लगाया था तो उससे बेहतर साइड पे ही है। करीब 7,253 करोड़ रुपए कंपनी की आय बढ़ी है, 16% के आसपास का आंकड़े सुधार आया है आय के अंदर। इसके अलावा एबिटा रफली 22% बढ़कर आया है, 6,875 करोड़ रुपए एबिटा आया है, जो कि 5,604 करोड़ से बढ़कर आया है। और मुनाफा भी, मार्जिन और मुनाफा भी, आप देखिए मार्जिन 90% से 95%, यानी कि 100 रुपए का माल बेचकर 95 रुपए कंपनी निकाल रही है, तो अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है। और मुनाफा भी करीब करीब 2141 करोड़ रुपए कंपनी ने पोस्ट किया, तो नंबर्स अच्छे हैं और अनुमान से बेहतर है। कल शेयर 3.5-3% चला था, आज भी शायद कुछ एक मूव इसमें आता दिखाई पड़े पॉजिटिव साइड पर, बिल्कुल चल सकता है। ये किरण ने हमको आज का शेयर्स बताई दिया है, पावर ग्रिड नंबर आपसे जानने थे हमको मिल गए, पावर ग्रिड आज का शेयर होगा। अच्छा, ग्लेनमार्क के नंबर भी बताइए सुमित। निम्पी, ग्लेनमार्क में गिरने का अनुमान था मुनाफा, और नंबर्स में प्रेशर रहने का अनुमान था, और नंबर्स में प्रेशर आया भी है, तो बहुत ज्यादा फायरवर्क की उम्मीद यहां नहीं होगी, लेकिन आय करीब 1.5% बढ़ने का अनुमान था, 1.5% करीब बढ़कर आई है, 2256 करोड़ रुपए कंपनी ने तिमाही के अंदर आय पोस्ट की है। मुनाफे फ्रंट पर और एबिटा फ्रंट पर प्रेशर, एबिटा आप देख रहे हैं 13.5% गिर कर आया 388 करोड़ रुपए, हाई बेस का इंपैक्ट भी यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, और दूसरे एबिटा मार्जिन भी 3% के आसपास श्रिंक हुए हैं, और मुनाफा भी यहां पर प्रेशर में आया है। तो जिस तरह के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, बहुत ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं, लेकिन अगर गिरावट बढ़ती है, कि फार्मास्यूटिकल वैसे भी ऑन द कॉन्ट्ररी अभी चल रहा है, तो अगर कुछ प्रेशर आता है तो ये नंबर शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ ही खींचेंगे, थोड़ा दबाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार ब्रोकिंग हाउसेस का रिपोर्ट भी समझ लें। साक्षी, मेरे को बताएंगे ये ग्लेनमार्क और पावर ग्रिड इस पर रिपोर्ट्स क्या कह रही है? एब्सोल्युटली, ग्लेनमार्क फार्मा पर मक्वायरी की हमने रिपोर्ट देखी है, जहां पर आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने दी है, लक्ष्य 728 का दिया है। मानना उनका यह है कि अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो, और एबिडा ने भी अनुमान को बीट करते हुए नजर आया, जिसकी वजह से उन्होंने इतने रोबस्ट यहां पर टारगेट्स रखे हैं। अगर पावर ग्रिड की बात करें तो सीएलएस ने अपनी रिपोर्ट यहां पर जारी रखी है, बाय रेटिंग को उन्होंने चेंज नहीं किया है, बरकरार रखा है, लक्ष्य को थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रिम किया है, 265 पहले लक्ष्य था, अब 260 का दिया है, फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से ये लक्ष्य घटाया। और FY 17 से 19 की अगर बात करें तो मुनाफे में सालाना आधार पर 15% की बढ़त की उनको उम्मीद है। ठीक है, ये आपको रिपोर्ट्स भी मिल गई, आपको नंबर्स भी मिल गए, आपको आउटलुक भी मिल रहा है कि इसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन सुमित अगर मैं एक एक करके पूछता रहा तो शायद रात हो जाएगी, इतने नंबर्स हैं। तो आप मेरे को एक काम कीजिए, आपको छठे हुए 10 शेयर ऐसे बताइए, उनके नंबर्स कैसे थे, खराब थे, अच्छे थे, मेरे को वन लाइनर बता देंगे, मेरा काम चल जाएगा, बताएं जरा शेयर्स। चलिए देखिए डिम्पी, बहुत लंबी सूची है इसलिए एक एक करके देख लेते हैं। वेदांता खराब है, पावर ग्रिड अच्छे हैं, उज्जीवन तिमाही दर तिमाही पे अच्छे हैं, सालाना आधार पर खराब है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्केप्टिकल मूव आप इस पे मान के चल सकते हैं। HEG रोबस्ट नंबर है, आज का ये शेयर है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जय भारत मारुति अच्छे नंबर के तौर पे आप इसे भी देख सकते हैं, अच्छे आंकड़े यहां पर भी आए हैं। हिमाद्री केमिकल अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, हो सकता है तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़े। HCC के नंबर्स खराब है, आंध्रा बैंक के नंबर्स खराब है, NPA बड़े हैं, तो हो सकता है इनमें प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। सब्जेक्ट की इनका सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है, दीपक फर्टिलाइजर नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। GETND के नंबर अच्छे आए हैं, ये दूसरा शेयर होगा HEG के बाद जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, शायद यहां पर भी अच्छे आंकड़ों का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल ठीक है, आप तो बिल्कुल टीचर ही बन गए, और अच्छी तरह से आपने हमको बता दिया कि हाँ कौन सी चीज खराब है, कौन सी चीज बुरी है। अब तो हमको याद तक हो गया है कि SEC से दूर रहना है, आंध्रा बैंक से दूर रहना है, वेदांता से दूर रहना है आज के लिए, तो बिल्कुल टीचर की तरह आपने समझाया, शुक्रिया ये सभी हमको नंबर्स भी बताने के लिए। सिमी, ये लिस्ट अभी है आपके सामने चल रही है, दर्शक भी एक बार नोट कर ले, आप इसमें से कोई भी एक शेयर चुनकर मेरे को टेक्निकल बेसिस पे बता दीजिए कि इसके अंदर आज हमको ट्रेड लेना चाहिए। ये नंबर्स वाले हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं उनके आगे हरा निशान, और जिनके खराब वो है लाल निशान। इसमें डिम्पी, इसमें 3 स्टॉक जिसमें मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए, एक तो वेदांता जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मयूरेश ने भी बताया था कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए जब कंसोलिडेशन खत्म होगा, मैं भी बिल्कुल सही मानती हूँ। अगर करेक्शन आता है डिम्पी तो मुझे लगता है कि 330 से 326 का रेंज वॉच करना पड़ेगा, वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। अब बहुत खराब नवंबर के बाद मार्केट में अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाता है तो हो सकता है कि वो रेंज भी ब्रीच हो जाएगा, पर जब तक ये स्टॉक 320 315 के भी ऊपर रहेगा तब तक मैं ये मानूंगी ये नेक्स्ट क्वार्टर के लिए या नेक्स्ट साल के लिए ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसलिए वेदांता में मेरा रेटिंग बाई है और मैं बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन करने के लिए कहूंगी।
वेदांता छोड़ के और दो स्टॉक है जो मेरा नजर में है, एक है एचईजी जिसमें मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, पर इतना अच्छा रिजल्ट्स के बाद आज भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मुझे दूसरा स्टॉक ग्राफाइट इंडिया, मतलब सेम सेक्टर में है, इसलिए मैंने ग्राफाइट इंडिया में, एक्चुअली मैं बुलिश हूँ, दो तीन ट्रेडिंग सेशन से ये सर्किट भी दे रहा है, मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट्स का असर उसमें जा सकता है तो वो भी आज चल सकता है। और मेरा जो तीसरा स्टॉक है इस लिस्ट में वो है हिमाद्री केमिकल, जिसमें मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि ये एक अलग टेरिटरी में जाने वाला है, और मुझे लगता है कि कोई भी डीप में अगर आज डीप मिलता है तो ठीक है, अगर नए भी मिलता है, ऊपर में भी खुलता है, तो भी मुझे लगता है कि उस रेंज पर भी खरीद कर रखना रखने जैसा है पोर्टफोलियो में। ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, एक साल का अगर नजरिया है किसी का। ठीक है, तो सिमी ने एज ए प्रिंसिपल इसको ऑडिट करके बता दिया कि एचईजी और हिमाद्री केमिकल, इस पर आप ध्यान रखें। ये आज के जो नंबर्स वाले शेयर्स थे उसमें से छांट के आपके सामने शेयर्स रख दिए।